सो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है 12:30 बजे। ओ मम्मी कल ही केक सब्सक्राइबर ने दिया था, तुमने खा भी लिया सारा सारा? वो भी ये दिख नहीं रहा तेरे को बचा हुआ। मम्मी पूरा ये भरा हुआ था। खाने में क्या है आज? सब सब्सक्राइबर कहते हैं हमारी पसंद की चीजें ना दिया करें, हम डाइट करके उन्होंने वो डाइट खा उन्होंने एक्लेयर दिया। आपको पता मेरे से रुका ही नहीं गया, मैंने गाड़ी में ही एक्लेयर खा लिया कैब में ही। तो फ्रेंड्स प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो चीजें हमें पसंद है ना वो मत दिया करो प्लीज, मेरी डाइट का नाश हो जाता है बिल्कुल। इतनी मेहनत कर रही हूँ अपनी डाइट के पीछे और आप लोग सत्यानाश कर देते हो मेरी डाइट का। अच्छा सुनो खाने में क्या है आज? ये इतनी सारी सब्जियां जो लाई हो मीनू के यहाँ से वो है। घिया नहीं खाऊंगी। और ये मीठा कहाँ से आया? ये काजू की बर्फी वही है। ओ यार ये मेरी फेवरेट, ये वाली इधर वाली पेस्ट्री मेरी फेवरेट है, ये भी खाने के बाद खाऊंगी। चलो फिर खाना दे ही दो, यही सारा गरम करके और क्या होगा। नहीं घिया नहीं, घिया कोई खाने की चीज है? तो ऐसे मजबूरी पे करी यही गर्म करके दो, तो मैंने तो बनाया घिया। दो जल्दी चाय भी बना दो स्वाद से। ईशा मैं को बुखार हो रहा है, तुझे शर्म नहीं आती ऑर्डर कर रही है मेरे पे? पहले मैं खाना बना रही हूँ, चाय तू बनाइए मेरे। चलो चाय मैं पिला दूंगी आपको स्वाद। बुखार हो रहा है मुझे बहुत तेज। स्वाद सी चाय या कॉफी? और आज एरोबिक्स नहीं गए ना? मर के जाऊं क्या वहां पे? हां जब फीस दी है तो फीस वापस लूंगी मैं चंचल से अपनी सारी। हां रिटर्न सारी ठीक है। जितनी मेरी छुट्टियां हुई हैं 6 महीने में, मैं 1 महीना भी नहीं गई होगी, 5 महीने की मेरी फीस रिटर्न आनी चाहिए। ठीक है बोल दूं? हाँ बोल दे। सुनो जी क्या हो गया? मैं मार्केट जाने की सोच रही हूँ तो 2 किलो मटर ले आऊं? अरे मैंने तेरे को मना कराया क्या? 2 किलो का 5 किलो ले आ। छीन लोगे इसलिए पूछ रही हूँ। मेरी रील देखी किसी ने? अरे तेरी पर्सनल मेरे पे आती नहीं ना। मम्मी आप पे आती है? आप पे आती है ना? देख कोई कह सकता तेरी माँ बीमार है? और अभी तेरी माँ को कह दो ना के मेरी ससुराल चल रहे हैं, घोड़ा भी क्या दौड़ेगा जो तेरी माँ दौड़ेगी। घर के सारे काम करे हैं, बीमारी बीमार हूँ तो मैं तब भी घर के सारे काम करे हैं, तुम ब्लेम नहीं कर सकते। खाना भी बनाया मैंने, हर काम करा घर का। चल मेरे ससुराल चलते हैं। मैं खाली नहीं हूँ ससुराल जाने के लिए, मुझे मेरे ससुराल में ज्यादा आराम है। अंदर तो लड्डू फूट रहे कहते ही। मेरे तो नहीं फूट रहे, तुम्हारे फूट रहे, मेरे ससुराल में पड़े हुए हो यही रह रहे हो। जाओ तुम खा भी यही रहो, खा भी यही रहे हो, यही जाऊँ खाने अगले भी यही मार बैठते हो। गाइस मैंने हिटलर फादर को इंस्टा पे ब्लॉक किया है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग की वीडियो नहीं बनी है, मेरी तबीयत खराब, मैंने बनाया घिया और रोटी और मैं खाऊंगी घिया और हिटलर मुझे देखो किस्मत में है। तरमाल ये खा रहे हैं, तरमाल नान खा रहे हैं, चाप खा रहे हैं और मैं बेचारी खाऊंगी। ये जो 4 दिन पुराना बचा कुचा माल है जो कुत्तों को डालना था मेरे को डाल दिया। फ्रेंड्स मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकती, मैं वो अर्धांगनी तो मैं क्या बोल सकती हूँ, जो इन्होंने बोलना होता है ये अपने आप से ही बोलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सुबह खाई थी ब्रेकफास्ट में मूंग की दाल और अब खाऊंगी घिया। एक चाय मांग रही हूँ फ्रेंड, तबीयत ख़राब में वो भी चाय भी नहीं मिल रही। देखिए तबीयत ख़राब में फ्रेंड्स चाय मांग रही हूँ कि मैं बीमार हूँ, मेरे को बुखार है, कोई चाय दे दो। मैं घर का सारा काम करके अब लेटी हूँ, कपड़े भी धोए हैं मैंने फ्रेंड्स और रोटी सब्जी सब कुछ करा है। ये देखिए सब चाय मौसम लोगों का। चाय 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 तू भी क्या चीज है, एक बार पियूं तुझे लगता क्यों मुझे, बार बार पियूं तुझे बाय 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 बाय। चाय चाय मांगे जा रही हूँ, चाय नहीं मिली है। कैसा लगा चाय का टेस्ट? तो मेरी टांग खींच रहे हो। मम्मी चाय बना दूं? दीक्षा 4 घंटे से बोला हुआ मैंने तेरे को। अरे नहीं नहीं मैंने पंडित जी को फोन करा था, चाय का मुहूर्त निकालेगा पंडित आके तब बनाने जाइयो।
तो एक पंडित जी को नीचे बिठा लो ना, जब हर चीज के मुहूर्त निकलेंगे तो सिस्टम में करें क्या, तो एक पंडित जी को परमानेंट हायर कर ले। यही बोल रही हूँ, पंडित जी को परमानेंट हायर करके नहाने कब जाओगे मुहूर्त निकालो, हगने कब जाओगे तब मुहूर्त निकालो, और हगने में पंडित जी ने आधे घंटे का लेट कर दिया मुहूर्त। तो स्वीट मॉम और मेरा रेस्ट डे है और इधर बन रही है चाय। ये क्या स्वीट मॉम का रेस्ट डे है? मेरा रोज रेस्ट डे होता है, आपका रोज होता है? रेस्ट डे क्या है, सुबह नाश्ता खाना कपड़े सारा काम करके तब लेटी हूँ बीमारी में बुखार में भी। रेस्ट डे का मतलब ये कि आज हमें कहीं जाना नहीं है वीडियोस के लिए, इसलिए रेस्ट डे है। कम वाली चाहिए या बहुत कम वाली चाहिए? ये दो दो बूंद चाय 25 घंटे रह जाके ये दो बूंद चाय बना के लाई है। ये मेरी है मम्मी, मैं दो बूंद ही पीनी थी। कैसे ग्रस्तियां चलाओगी जैसे अभी चला रहे हैं? 10-12 ग्रस्ती चला रही है अभी तो, 10-12 घंटे में चाय में इतनी चाय लाके मेरे सामने। फ्रेंड्स इग्नोर करो, स्वादी चाय है। चलो पियो जल्दी बताओ कैसी है। मेरी तबीयत खराब में सिप सिप करके आराम से पीऊंगी, तसल्ली से अच्छी होनी चाहिए। पूरी मलाई उसको उतारने के बजाय उसी में डाल दी दूध में चाय में। तो क्या हो गया, मलाई मना करती है क्या कि नहीं डालनी? छनके बेकार हो गई वो। बेकार तो नहीं हुई, इसमें आया तो है टेस्ट। उतनी पत्ती में हुई गिट्टी माटी। पीनी है या मैं पी लूं? अरे आज क्या बना रही है डिनर में? लेडी फिंगर बना लूं? हे भगवान, कभी लेडी फिंगर कभी जेंट्स फिंगर कभी पिज्जा कभी बर्गर कभी कुछ कभी कुछ। आज ना कोई सब्जी नहीं बनेगी, सब्जी आज मेरे मतलब की बनेगी घर में। चलो जी तुम ही बता दो क्या खाना है तुम्हें। आज भिंडी बनेगी, भिंडी के अलावा कुछ मत बना दियो, बस बता दिया तेरे को मैंने। मेरे कर्म में बावरिया लिखा था भिंडी। लेडी फिंगर को क्या कहते हैं हिंदी में? वो आलू वाली लंबी लंबी चिप्स जो होती हैं वो नहीं बनेगी, भिंडी बनेगी घर में आज, कोई लेडी फिंगर नहीं बनेगी। थोड़ा सा पढ़ लेते, 8वीं फेल करी थी 12वीं तक ही पढ़ लेते। अरे तेरे की तरह दो शब्द पढ़ा होता ना तो बिल्कुल ही मैं ये गवार हो जाता। भाई वेजिटेबल्स भी पढ़ी थी तुमने? कम से कम वेजिटेबल के नाम पढ़ लेते तो मेरा सर तो ना खाते। लेडी फिंगर को भिंडी कहते हैं, आलू की चिप्स कहते हैं, चिप्स कहते हैं। आशु जी आ गए हैं। रुमाली रोटी और की खाना सब्जी पनीर की। अरे हम ऑफिस से आए थे ना, ऑफिस आके मैंने 6:30 बजे खाना खा लेता है। 6:30 बजे चाची इससे मेरी किट्टो टाइट हो जाएगी ना पूरी। किट्टो टाइट? 6:30 बजे खाना है तेरे तो 14 घंटे नहीं खाना। अरे इंटीमेटिंग डाइटिंग होती है वो, इंटीमेटिंग फास्ट। किट्टो कौन सी डाइट है? किट्टो क्या बोलते हो? किट्टो अरे वो कुछ है ना, किट्टो नहीं होता भाई, कीटो डाइट होता है उसमें। हाँ उसमें वो अलग डाइट होती है, जो तू कह रहा है वो इंटीमेटिंग फास्टिंग होता है। नहीं भाई 14 घंटे ना खाना, अब 6:30 बजे खाया अब खाऊंगा। किट्टो नहीं कट्टो। 8:30 खाना ना चाची, डेली ऐसे कर लूं, कर ले। उसमें ये भी है कि ढंग का हेल्दी खाना है, ये नहीं कि जो मर्जी चढ़ लिया। 6 बजे शाम मैंने पता क्या खाया देखो, 3 रोटी 3 पराठे और क्या है, अरबी की सब्जी। तो बस हो गई तेरी तो इंटीमेटिंग फास्टिंग, तू एक टाइम तो खाना इसी किट्टो ही डाइट होगी। इतना तो खाते हो नहीं खाते? अच्छा आ गो 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 वापस गो निकल लो चलो कल्टी। डाइट पे नहीं है, चिप्स खा रही है ये। बाय कर दे, बाय दोस्त बंदा हो। कहाँ जा रही है? बाय कर दे। मिला आजा। ये नखरे दिखा रही है, कोई जरूरत नहीं लेने की, हाथ हटा दिए। ये चिप्स का पैकेट भी दे दो, हम भी खा लेंगे दोनों ही। ले ले थोड़ा कर दो उसको नीचे खिला। कल देखा कितनी पतंगे लेके खड़ी है, सारी पतंगे यही उड़ाएगी। ले ले बेटा से। अरे तू दिमाग मत खराब कर आशु, पागल हो सारे सारे। हाँ गोयल फैमिली पागल है, तुम्हारी गुप्ता फैमिली बढ़िया है। कहने की बात ही नहीं है इसमें,
आप भी बोल सकते हो, मतलब कोई बात नहीं, आके होगी, मैं भी मेंटल तुम्हारे जैसी। मम्मी तुम्हारी चुटिया किसने बनाई है इतनी सुथरी? देखिए मम्मी चुटिया है भी नहीं है, बना के गई है वो, अपने जैसा ना बना दे। सरिता मेरे बाल काट के और छोटी बना के गई है, किसी काम तो आई सरिता, तू किसी काम की है मेरे लिए? अच्छा अगर ऐसे छोटी बना के आप घूमने लग गए ना तो बोल फिर नाम बदनाम कर दोगे आप सही में। तुम्हारी बोल कंपनी के जैसे लोग है ना, डेढ़ साल का था मेरा, क्या करेक्टर था उस टाइम पे, क्यों डेढ़ साल के जगह क्या करेक्टर होता है? चलो अब जिंद माही की वो देखो, मेरा मुंह मत खुलवा, ट्रेलर देख लिया अच्छा लगा। मेरे को ट्रेलर का क्या देखना है, मैं तेरा बावली बुचार नहीं हूँ मैं। नहीं बट ठीक है, कहाँ से मैं तो हमारी फैमिली में बुचार था, हमने किसी ने बोला क्या? यही कहा था, यही शब्द यही कहा, बावली बुचार तेरी दादी कहती थी, मेरे को उसका मतलब भी नहीं पता था। बुचार क्या होता है? तब तो मैं जड़ती थी, दादी से मतलब नहीं पूछा, बाद में पूछा था मैंने, पता नहीं हाथ में लग गई थी दादी। पहले तो मम्मी के साथ शादी के टाइम तो बहुत होता था, कुछ पता ही नहीं चलता था मम्मी को। कहती है तेरी दादी, मुझे याद आया मेरी नई नई शादी हुई तो दादी जी आई मुझे, मतलब मेरी दादी सास, तेरी दादी नहीं मेरी दादी सास, तेरे चाचा की दादी। तो आपकी दादी सास थोड़ी ना, मतलब की दादी हुई, दादी सास हुई मेरी। तो वो कहती है ना, अम्मा कहती मेरे को चाय गाल दे, वो भैया मैं शक्ल देखू क्या होता है मेरी परदादी। हाँ अब भैया मुझे तो पता नहीं क्या होता है, ये हमारे तो यूपी में ऐसे बोलते नहीं है, अब मैं शक्ल देखू, मैं काम करा तो मरी, नहीं करा तो मरी। फिर वो तो अम्मा ने इशारे से कहा घाल दे, मैंने कहा अच्छा अच्छा डाल दू, तब मुझे पता लगा। फिर ऐसी वो मोगरी थपकी, हम लोग थपकी बोलते थे वो कपड़े कूटने वाली को, वो जो लकड़ी की आती थी, तुम्हारे यहाँ मोगरी, हम पोनी बोलते थे वो छेद छेद वाले जिससे पलते हैं, तुम्हारे यहाँ वो बोलते हैं जर्री जर्री जर्री, पता नहीं क्या 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 वर्ड्स है तुम्हारे, कुछ अजीब अजीब। और नई नई शादी हो तो तुम वैसे ही कुछ नहीं बोल सकते, और तेरी दादी की तेज थी, मैं तो वैसे ही कुछ नहीं बोलती थी, उनकी भाषा समझ नहीं आती, आधे वर्ड तो समझ नहीं आती। हरियाणा की थी, हरियाणा के बोलने की आवाज ऐसी होती है, और इतना हमारा घूंघट। अच्छा चाचा अभी कुआ पूजन में देखूंगा कितना बड़ा घूंघट था, तब पता चलेगी असली बात। तो नहीं किया मैंने, थोड़ी थोड़ी बहुत वीडियो तो देखी है। हाँ तो वीडियो के टाइम पे थोड़ा करती, वैसे तो घूंघट करती थी मैं। अच्छा मेरी वीडियो बन रही थी, मैं क्यों करती, मैं तो स्टार्टिंग से मॉडर्न थी। कौन मॉडर्न थी? अभी इसकी बहू आएगी, इसकी बहू आएगी, इसकी बहू ने मुझे यहाँ ला के इसकी बहू आएगी ना, फिर हम वो कराएंगे घूंघट कराएंगे तेरी वाली, देखूंगी कितने वो घूंघरे करके ऊपर नहीं चढ़ेगी जैसे हमसे करवाए थे। और जब पता सोने की शादी हुई तो पता है अम्मा की कहती हमारी छोरी ना करे घूंघट, हमारे तो सब कुछ पहनेगी। मैंने कहा अम्मा बड़ी जल्दी बदल गई, हमारे टाइम में तो ये सब नहीं था रूल, अपने पोते के टाइम में तेरी दादी इतना बदल गई। वक्त के साथ बदली है दादी, पोता पोती क्या फायदा वो बदलने का, हमने तो तोड़ से झेल लिया जो झेलना था, अब बदल के क्या तीर मारे दादी ने। ये सोच लो उस टाइम पे इतना कुछ वो था ना, तब जाके अभी हम नॉर्मल हैं चीजों में, क्यों भाई? इसका कहने का मतलब ये है कि दादी इतनी स्ट्रिक्ट थी तो आप सुधरे हुए हो। अच्छा इसका कहने का मतलब ये है, वरना बहू के पर निकल जाए फिर। दादी बात कर इसकी बहू की दादी गई नहीं, अब निकल गए पर, अब रोक ले तेरी दादी आकर के। हां और अब इसकी बहू के देखेंगे पर बिना घूंघट के कितने निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। नहीं अब तेरी दादी गई, अब हमारे पर रोक ले तेरी दादी। चाची पहले के टाइम पे सेम ऐसा था, 6-7 बजे हम भी खुद करके अंदर घुस जाते थे, आपको पता है ना भाई, 7 बजे हम निकलते थे 6 बजे। तुम्हारे लिए रूल अलग थे, मेरा भी तो मायका था। नहीं हम भी 7 बजे कहाँ निकलते थे घर से, तो नहीं मेरा भी तो मायका था, तुम्हारे रूल ज्यादा कुछ थे। हमारे घर की बहुए, हमारे घर की बहुए भी तो है, कोई भी नहीं करता था। मेरी चाची तक के टाइम पे घूंघट था, चाची मम्मी के टाइम में, बहू आने के बाद, बल्कि बहू क्या मेरे जो डैडी की चाचा की बहू थी ना, उसने आके घूंघट हटाया था, वो भी मेरी चाची थी, उसके आने के बाद हमारे घर में घूंघट हट गया, मतलब आपकी भाभी, बाद में पल्ले हट गए और अब तो साड़ियां हट गई, अब तो मैं कुछ भी पहनो तो जींस भी पहनती है बहुएं। यही तुम्हारे न्यारे रिवाज देखे हमने तो, आप पहन लो जींस, मना किया हमने,
उसके तो फिगर भी होना चाहिए। मना कर ही नहीं सकते अब, इतना हम सेटल्ड हो गए कि तुम मना ही नहीं कर सकते। तुम्हारा बाप नहीं रोक सकता। हाँ, मैं भी ये बोलने वाली थी कि आप नहीं रोक सकते, अब क्या सोच रहे हो। देखो बाप को होता तो आप अपने आप नहीं पहनते, जेठ जी की शर्म करके। नहीं, जेठ जी को भी बना देते जींस और शर्ट। मुझे याद है मेरी शादी तक पहनी थी बस, उसके बाद सुनो ताऊ सुबह 6 बजे नीचे आ जाते थे और सिल्वर कलर की घड़ी पहनते थे हाथ में, ऑफिस के लिए रेडी, फिर सुन सुबह ही ताऊ नीचे आके फिर अम्मा के पास थोड़ी देर बैठते थे, फिर उसके बाद ताऊ चले जाते थे ऑफिस, फिर ऑफिस से आते थे, फिर कोई भी सॉफ्टी वाला जाए या कुछ भी जाए। मेरी शादी हुई इतना छोटा सा बाथरूम था, तब नहाने का अलग होता था, लैट्रिन अलग होती, इतना सा बाथरूम, उसमें हम पूरी साड़ी पहन के बाहर आते थे बाथरूम में से, ओपन में बाथरूम था बाहर चौक में, वहीं तेरे पापा बैठे रहते थे, वहीं अम्मा बैठी रहती थी, वहीं छोटे भाई से बैठे रहते थे, इंसान कैसे निकले जब इतना घूंघट है, तो पूरी साड़ी बकायदा ब्लाउज सब पहन के बाथरूम से घूंघट करके तब हम बाथरूम से निकल के जाते थे, इतने छोटे से बाथरूम में, सोच हम कैसे साड़ी, क्योंकि ओपन में था बाथरूम, यहाँ पे था बाथरूम, यहाँ पे वो था वॉशरूम, यहाँ दो कमरे थे, यहाँ ताऊ और अम्मा बैठते थे, यहाँ बाथरूम था, यहाँ टॉयलेट था, ये सामने यहाँ ओपन था, सबको यहाँ बैठे रहते थे सब। गाइस आपको कुआ पूजन की वीडियो में सब देखने को मिलेगा हमारा। अब आजकल की देखूंगा तुम्हारी बहुएं कितने घूंटे कर करके बाथरूम, और वो ही हैबिट मेरे को है, मैं मेरी चाहे फुल जींस हो यहाँ तक की तब भी मैं पूरी चढ़ा के आती हूँ बाथरूम से पहन के आती है दीक्षा, पूरा बाथरूम से देखा है की बाथ गाउन पहन लिया ट्रॉवल दीक्षा, पूरे मैं पूरा फुल जींस टाइट जींस भी हो मैं तब भी चढ़ा के आती हूँ।